अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ARK चैनल। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। हम आज बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा सीरियल के बारे में कि जिसका नाम जान के आपका भी दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। पर सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन ज़रूर क्लिक करते जाएं ताकि हमारी न्यू वीडियोस और अपडेट्स आसानी से आप तक पहुंच सकें। दोस्तों पढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानेब। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि हम आज ऐसे ड्रामा सीरियल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम जान के आपका दिल भी खुश हो जाएगा दोस्तों। तो आज आप गेस करें दोस्तों, वो कौन सा सीरियल हो सकता है। चलें दोस्तों, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी आपको, मैं ख़ुद ही बता देती हूँ कि वो कौन सा ड्रामा सीरियल है। उस ड्रामा सीरियल का नाम है सुनो चंदा। वो सुनो चंदा जिसके दो सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं 2 साल में, और उम्मीद है शायद आगे सीजन 3 भी आए। सुनो चंदा, सुनो चंदा। और आना भी चाहिए क्योंकि ये ड्रामा ऐसा है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये ड्रामा सिर्फ मेरा ही पसंदीदा नहीं, मुझे उम्मीद है आप सबका भी पसंदीदा ड्रामा साबित हुआ होगा। कि दोस्तों ये वाहिद ड्रामा है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का जिसके सीजन्स आए हैं और उम्मीद है आगे भी आएंगे। इस ड्रामे की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम चलते हैं इस ड्रामा एक्टर के एक्टिंग की तरफ। पर दोस्तों मैं कुछ मेन लीडिंग एक्टर्स की ही बात करूंगी क्योंकि मैंने अगर पूरे ड्रामा के सारे एक्टर्स की बात की तो समझें कि बहुत लंबी और तवील वीडियो हो सकती है। मैं मेन एक्टर बात करूंगी समीना अहमद मुमताज़ बेगम का जो रोल कर रही हैं उर्फ बीजान। समीना अहमद एक बहुत ही डिसेंट खातून दिखाई गई हैं और हकीकतन उन्होंने डिसेंट रोल भी अदा किया है, पर साथ साथ डिसेंट के साथ बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया है जो हेड ऑफ़ द फैमिली का उन्होंने किया है। अब मैं आऊँगी फरहान सईद उर्फ अरसलान जमशेद पे। अरसलान ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, पर उसके साथ साथ हम आपको उनकी निजी ज़िंदगी की कुछ बातें ज़रूर बताते चलेंगे। वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और उनके अपने चलेंगे मोस्ट लीडिंग एक्ट्रेस इन द ड्रामा इंडस्ट्री इकरा अज़ीज़ उर्फ जिया नज़ाकत अली। इनकी नज़ाकतों का जवाब ही नहीं है दोस्तों। इनका लड़ना, खिलखिला के हंसना इनकी एक्टिंग पे और चांद चांद लगा देता है दोस्तों। हर एक्टर की अपनी खासियत है, तो चलें आप मुझे बताएं इसका सीजन 3 आना चाहिए या नहीं। सुनो, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल आना चाहिए, पर मैं आपसे सवाल करती हूँ दोस्तों, जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपकी अपनी अनाया ARK चैनल। हमारे साथ रहिएगा, हम आगे अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।